नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और आपके साथ मैं हूं नितीशा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहकारी समितियों में हुई अवैध नियुक्ति के मामले में सुनवाई की और सरकार से 3 सप्ताह में इस मामले पर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। दरअसल हरिद्वार निवासी पवन भारती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार समेत प्रदेश के सभी सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार चल रहा है। वहीं समितियों में जो नियुक्तियां की जा रही हैं उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने बताया कि 1 साल बीत जाने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर उन्होंने जनहित याचिका दायर की। जो पीएल थी ये मेनली उत्तराखंड में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इसमें चल रहे भ्रष्टाचार के संबंध में थी और इसमें भांति भांति तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ना केवल फाइनेंशियल भ्रष्टाचार है, इसमें जो कर क्या रहे हैं कि 90 दिन के अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके बाद इवन पूरा भी नहीं हो पाया 90 दिन, और उनको जो है बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के रेगुलर कर दे रहे हैं उसको अपॉइंटमेंट। यहाँ तक ये भी किया इन्होंने कि कैडर सेक्रेटरी की जो पद है वो रूल्स से गवर्न होता है, बिना किसी सीनियरिटी लिस्ट बनाए इन्होंने 36 कैडर सेक्रेटरीज प्रमोट कर दिए। इस पर हमारी एक याचिका थी, इस पर पहले याचिकाकर्ता ने कंप्लेंट की थी गवर्नर महोदय क्या, उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में पाया गया कि एक मोहम्मदपुर बुजुर्ग नाम के बुजुर्ग सहकारी समिति के नाम से एक सोसाइटी है हरिद्वार में, उसमें लगभग 60 लाख रुपये का गबन पाया गया। बस 2018 में इंक्वायरी ऑफिसर ने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि हाई लेवल इंक्वायरी कराई गई। 1.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उस पर वो बैठ गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इस पर हमारी याचिका थी, इस पर आज का याचिका को स्वीकार करते हुए आज एडमिट कर लिया गया है और राज्य सरकार को 3 सप्ताह के अंदर इस काउंटर फाइल करने का आदेश दिया।